शांति। आज की तारीख है 26/7/20 और आज हम सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 27/2/86 और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। हम रूहानी सेना की सेनानी कौन है? वो है मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। और हम सभी जो भी रूहानी सेनानी और सेना की जो भी भुजाएं हैं मम्मा की, हम सभी को शक्तियाँ कौन देते हैं? वो देते हैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो सर्वशक्तिमान हैं, और ब्रह्मा बाबा जो हम ब्राह्मणों के पिता हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो अव्यक्त बाप दादा कहते हैं सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता कि विजय हमारी निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हैं। न सिर्फ अब के विजयी हैं लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। इतना हमें निश्चय और नशा रहता है। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों की विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों के द्वारा सुनकर हर्षित होते हैं। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसीलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है, स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजयी होंगे या नहीं। विजय हुई पड़ी है। पास्ट कल्प और भविष्य को भी जानते हो। वरदान सतगुरु का कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है।
यही सर्व श्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान भी मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदाई की सीट देते हैं। सदा इस ही सीट पर सेट रहो तो अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।